हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए मॉर्निंग के सुबह 7 बजे ये बारिश का कहर। बारिश में देखिए कितना अंधेरा हो रखा है भाई। सुबह ये देखिए अंधेरा हो रखा है चारों साइड। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है देखिए, और ये मोटी मोटी सी बूंदें गिर रही है बारिश की। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश आ गई है, देखिए कितनी फास्ट आ रही बारिश। तो आज दोबारा कहर बरपाएगी भाई भाई बारिश से, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा आ रखा है चारों साइड से अंधेरा ही है। ये वाला कॉर्नर है जो आपको लाइटनिंग दिख रही है इसमें, और ये देखिए चारों साइड अंधेरा ही अंधेरा, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा इतना मॉर्निंग में देखने को मिल रहा है भाई। ऐसा है। और आज पीहू, आज टीचर डे है, सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल जाएं आज और सेलिब्रेट करें टीचर डे अपने टीचर्स के साथ। लेकिन यार ये बारिश ने पंगा डाल दिया भाई। ग्रेनी दीदी, कोई अच्छी सी पोइम सुना दे। तू अच्छी अच्छी सुनाओ आप। अच्छी सुनने को क्या बोलते हैं? हैं? गाने को बोलते हैं सिंग बोलते हैं उसको, गाना गाने को। ले तू पोइम सुना तू आज। बैठने को क्या बोलते हैं? उठने को क्या बोलते हैं? डांस। स्टैंड अप। डांस क्या बोलते हैं? नाचने को बोलते हैं डांस। फिर डांस डांस को भी एक लग गया इधर 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 इस साइड को। सुना तो सुना या। सुना 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 पोइम सुना दे यार, बहुत टाइम हो गया तुझे, बहुत दिनों से नहीं सुनाई पोइम आपने। मछली जल की रानी सुना दे। मछली जल की वो वाले सुना दे। बस और स्कूल में क्या सिखाया यार, और तो बता दे कुछ। मामा वाला सुना दे तो। मामा वाली पोइम सुना दे। कौन सी मामा वाली बोल रहे हैं आप? आप मामा होता है। भाभी मामी वाली है? मामा वाली बोली कि नहीं? ये मामा वाले नहीं है कोई, और सुना दे। हाथी राजा वाले सुना दे। हाथी राजा कहाँ चले वो वाला है। मेरे घर भी आओ ना। आगे हलवा पूरी खाओ ना। आगे आओ बैठो कुर्सी पर। कुर्सी बोली चटर वटर यार। अब भी उधर को नहीं आती हाथी राजा वाली तो फिर कैसे? मैंने तो मैंने बताया था कुछ। ये क्या पहन रखे? निक्कर। देखिए निक्कर क्या कर रखा है, निक्कर ऊपर कर रखे हुए टी शर्ट से। हेलो गाइस, राम राम। तो अभी पहुंच चुके हैं खेत पे, और ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश, हवा लगी हुई है। बारिश भी थी थोड़ी देर पहले, मैंने बताई। देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश चली गई, और ये लेके जाते हैं भाई घास। एक छोड़ा आया हूँ एक गड्ढे घर पे, सॉरी गौशाला में, और ये एक और है बांधने को। वंदना देवी भी पहुँची हुई है। तो बारिश में ऐसा होता है यार कि सुबह सुबह घास ले ली तो ठीक है, अदरवाइज तो दिन में अगर बारिश पड़ी रही तो घास वगैरह लेने में परेशानी रहेगी, यानी कि भीग के घास लेके आना पड़ेगा। और अभी ऐसा है कि बारिश तो लगी थी, लेकिन अब हवा ही है, हवा ले गई बादलों को कहीं और यहाँ पे नहीं है बारिश अभी। ये देखिए
चारों तरफ हरियाली हरियाली है भाई। और आजकल गुग्गा जी घूम रहे हैं सारे घर घर में। तो ये आज का मौसम, ये देखिए चारों तरफ, वैसे वो पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो नहीं है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, वैसे देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ये है भाई हालात आजकल के। और लेके चलता हूँ इसको, फिर उसके बाद शेयर करूँगा आगे का क्लिप। आज वैसे लाइट थी नहीं तो उस करके बना रहा हूँ वीडियो, यार फ्री हूँ आज। ये भाई पीयू, हैप्पी टीचर डे। पीयू देख तो सही इधर, ये डॉल भी लेके जा रही साथ। क्या लेके जा रही है? ये रख दो थी, इसको दे दे मेरे पास। ये स्कूल लेके जाएंगे, स्कूल बच्चे स्कूल नहीं लेके जाते। और ये देखिए इसकी ड्रेस ही, और वो ही, और बहुत गजब की ड्रेस है भाई पीयू की। ए भाई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन नहीं आज, आज है क्या पीयू आज टीचर डे? टीचर डे की कितनी देखिए ड्रेस पहन के, फैंसी ड्रेस पहन के जा रही है आज। ऐसे घूम जा। ओ यार, ओ यार। और ये लोग जा रहे हैं आज भाई घर, घर जा रहे हैं। और ये ही आजा बात कर ले मेरे से। हे वंदना देवी, वंदना देवी आ रही है। ता ये स्कूल भी छोड़नी वो रहा छोड़नी है ये पीयू दीदी, स्कूल भी छोड़ेंगे इसको। तो भाई पीयू बाय बाय, स्कूल में जाओ आज, है ना आज पार्टी होगी स्कूल में ना। ओके हाँ, बांधने वाला पीछे बांध लो, ठीक है पीयू बाय, जाओ आप स्कूल, है ना, आपको स्कूल छोड़ देंगे और ये चले जाएंगे बाय, है ना। ये देखो ये कितनी तेज धूप खिल चुकी है, अब दो ढाई घंटे बाद सराउंडिंग का मौसम, कहीं कहीं थोड़ी छाया और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है हमारे घर पे। और खाते हैं खाना वगैरह, पतरोड़े बनाए हुए आज। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने निकाल दिए हैं अपने अमरूद से अमरूद, तो हमारे उधर इधर ही है सामने वो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, तो इससे मैंने अमरूद निकाले, तो दिखाती हूँ मैं आपको अमरूद का पेड़। तो देखिए सामने ही बाथरूम के पास हमारा अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ से मैंने ये अमरूद निकाले हैं। तो पतिदेव कर रहे हैं काम, मैं उनको बांटती हूँ अमरूद। तो ये लगा है सामने अमरूद का पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं इधर। ये भी है देखो, कितने अच्छे फ्रेश फ्रेश अमरूद लगे हुए हैं इधर। ये तो मेरे को लगता पक गए हैं। और ये भी देखिए, तो अभी मैं देती हूँ पतिदेव को अमरूद। देखिए दोस्तों, मैंने ले लिया अमरूद, मैं देने जा रही हूँ पतिदेव को। पतिदेव कर रहे हैं अभी काम। खे फ्रेश फ्रेश अमरूद दीजिए भाई पतिदेव। अमरूद अमरूद है अमरूद, ठीक है भाई, कच्चे हैं भाई वो नहीं, ठीक है। ज़्यादा पक्के हो जाए तो कीड़े डल पड़ जाते हैं इनमें, ज़्यादा पक जाए ना तो कीड़े हो जाते हैं इनमें, इसलिए मैंने कच्चे कच्चे निकाले, थोड़ा अच्छे रहते हैं, लेकिन पेट में भी होते हैं दर्द इनसे। चलो करिए आप काम, हम करते हैं अपना काम, हम खाते हैं अमरूद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोगों ने लंच वगैरह करा, तो अभी टाइम हो गया, हम लोग खा रहे हैं अभी घर का देसी खीरा। तो मैं काट रही हूँ उसको, मम्मी जी लाए थे खेत से। ये देखिए देसी खीरा, ये थोड़ा थोड़ा पीला हो रहा था, तो मम्मी जी ने बोला कि बंदर आते हैं वो खा ना ले इसको, तो इसलिए मम्मी ने इसको निकाला है। कल का निकाला हुआ था लेकिन अभी तक इसको खाया नहीं है, क्योंकि कल भैया बड़े भैया का लेंटर वगैरह डल रहा था, तो सारे घर पे कोई नहीं था, तब जाके इसको आज काट रहे हैं हम। तो करते हैं खीरा एंजॉय, तो बने रहे वीडियो के साथ, दिखाती हूँ आपको। हाँ काट रहे हैं भाई खीरा आज। कौन काट रहे है? मैं काट रही हूँ खीरा।
तो दीदी जी आ रही है खीरा काटने के लिए। दीदी जी बोल रहे हैं कि मैं काटती हूँ खीरा, तो वो काटेंगी खीरा वगैरह, तो मैं बनाती हूँ उनकी वीडियो। तो बने रहे वीडियो के साथ, दिखाती हूँ आपको, सभी करेंगे इंजॉय खीरा। नमक हमारा रेडी हो चुका है, तो अभी खीरे को छिल रहे थे, इसका छिलका निकाल रहे हैं। वैसे तो हम लोग छिलका निकालते नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे घर का खीरा होता है वो खाने में टेस्टी होता है उसका छिलका भी, पर ये थोड़ा थोड़ा पीला हो गया तो ये हार्ड हो गया है खाने के लिए। अच्छे से ज़्यादा हार्ड हो जाए तो वो खाया नहीं जाता ढंग से, और हरा हो तो बहुत टेस्टी होता है घर का खीरा, छिलके के साथ भी अच्छा होता है वो, उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। तो अभी ऑलमोस्ट इसका छिलके उतार दिए हैं, खीरे का छिलके उतार दिए हैं, तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आए हैं भाई हमारे नानी जी। नानी जी क्या बना रहे हैं अभी, क्या लग रहा है नानी बनाना? नानी क्या लग रहा है नानी? कुछ लग रहा है आपको? तो ये भाई नानी बना रही है स्वेटर, नानी बोल रही है मैं खुद को बना रही हूँ। नानी करा लाए, करा ला, हाय कर दो, आए आए बोलो फुकी के, एड़ा बोला आए आए फुकी बोले बड़ा गर्मी। तो ये है भाई हमारी नानी जी, और ये साथ में छोटी नानी जी है, नानी जी की छोटी बहन है ये वाले। ये बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है ये, वायरल कर रही हूँ मैं आपको भाई। ये है हमारी पीओ, आज इसने दो चोटी करी हुई है, देखना है डांस के मूड में। अभी गाना लगाओ भाई पीयू को, करा डांस पीयू, डांस करेगी क्या? देखिए सभी कर रहे हैं खीरा एंजॉय, आप लोग भी आइए हमारे साथ, नानी भी खा रही है दबा के। नानी तू हमें दसा लग रहे खाना खीरा, टेस्टी है? तो मैं जा रही हूँ पतिदेव को देने खीरा, पतिदेव आए नहीं, वो काम करे, उन्होंने बोला नीचे ही लेके आना मुझे, तो मैं जा रही हूँ। लीजिए भाई खीरा, धन्यवाद। आपके तो मजे हैं, सब कुछ कमरे में मिलता है भाई, देखिए इनके तो अच्छे ठाट वाट है, रूम में मिलता है सब कुछ। कहाँ हमारे ऐसे दिन आएंगे। कैसा है भाई खीरा जनाब, बताइए आप जरा। बढ़िया है, अच्छा है, मिर्ची कट रही है कम है। चलो करो आप इंजॉय, मैं भी जाती हूँ, मैंने भी नहीं खाया अभी।